हेलो दोस्तों, आप लोगों को गुलाब स्टडी क्लासेस में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग कंप्यूटर के महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन है, पैकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर किस काम के लिए बना था? इसका उत्तर है सी, खेल के लिए। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, किसने प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया था? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, ब्लेज पास्कल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने पंचकार्ड का आरंभ किया था? तो इसका उत्तर है इनमें से कोई नहीं, डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर के बुनियादी संरचना का विकास किया था? तो किसने किया था? इसका उत्तर है सी, चार्ल्स बैबेज ने। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर है? इसका ऑप्शन है ए, सुपर कंप्यूटर। नेक्स्ट प्रश्न है, सामान्य रूप से प्रयुक्त किए जाने वाला कंप्यूटर है? सोचो दोस्तों, इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, डिजिटल कंप्यूटर। नेक्स्ट प्रश्न है, सी रे क्या है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सुपर कंप्यूटर। नेक्स्ट प्रश्न है, मल्टी प्रोसेसिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर से शुरू हुआ था? इसका राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, तृतीय पीढ़ी। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कब बना था? तो इसका राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 1976 को। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम है? इसका राइट आंसर है बी, सिद्धार्थ। नेक्स्ट प्रश्न है, सबसे तेज कंप्यूटर होता है, सबसे तेज कंप्यूटर कौन होता है दोस्तों, बताओ? ऑप्शन नंबर डी, सुपर कंप्यूटर इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? इसका राइट उत्तर है डी, चतुर्थ पीढ़ी का। अगला प्रश्न है, भारत में निर्मित परम कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर है? इसका राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, सुपर कंप्यूटर। नेक्स्ट प्रश्न है, गणना संयंत्र एबाकस का आविष्कार किस देश में हुआ? इसका राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, चीन। नेक्स्ट प्रश्न है, IMAC एक प्रकार का है? इसका राइट ऑप्शन नंबर ए, मशीन। नेक्स्ट प्रश्न है, एनालिटिक इंजन का निर्माण किसने किया था? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी, चार्ल्स बैबेज। नेक्स्ट प्रश्न है, सर्वप्रथम पंच कार्ड का प्रयोग किसने किया था? इसका राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, जोसेफ मेरी ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? इसका राइट उत्तर होगा डी, वान न्यूमान ने। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया था? इसका उत्तर है डी, JS Kilby। नेक्स्ट प्रश्न है, चुंबक की डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? तो इसका राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, आयरन ऑक्साइड का। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, गणना। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया है? इसका उत्तर है सी डैश। 73वां क्वेश्चन है, इनमें से तेज कौन सा है? तो इसका राइट उत्तर है ए, रजिस्टर। 74 क्वेश्चन है, किसने पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC को बनाया था? इसका राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, प्रेस्पर एकल्ट एंड जॉन मोसले ने। नेक्स्ट प्रश्न है, डॉट मैट्रिक्स किस उपकरण की किस्म है? बताइए दोस्तों, इसका राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, प्रिंटर। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है? बताओ दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 12 होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस प्रिंटर द्वारा एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बताओ। ऑप्शन नंबर सी, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन इनपुट डिवाइस नहीं है? बताओ दोस्तों, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मॉनिटर। मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है। नेक्स्ट प्रश्न है, सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर है? सर्वाधिक
तेज गति का प्रिंटर कौन है दोस्तों, बताओ। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लेजर प्रिंटर। लेजर प्रिंटर एक तेज गति वाला प्रिंटर है। नेक्स्ट प्रश्न है, एलसीडी का पूरा नाम क्या होता है, एलसीडी का पूरा नाम क्या होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, कंप्यूटर के मेमोरी में डाले गए कार्य को प्रदर्शित करता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मॉनिटर। नेक्स्ट प्रश्न है, गेम खेलना किससे आसान हो जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जॉयस्टिक। नेक्स्ट प्रश्न है, कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट को कौन सी कुंजी कहते हैं? तो बताओ दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, मॉडिफायर। नेक्स्ट प्रश्न है, अधिकांश प्रोडक्ट पर प्रिंटेड लाइनों के पैटर्न को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, बारकोड। नेक्स्ट प्रश्न है, OCR का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? आउटपुट डिवाइस नहीं है बताओ दोस्तों। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, टच स्क्रीन। नेक्स्ट प्रश्न, व्यक्तिगत कंप्यूटर हेतु सबसे साधारण स्टोरेज डिवाइस है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फ्लॉपी डिस्क। नेक्स्ट प्रश्न है, मॉनिटर के डिस्प्ले आकार को कैसा मापा जाता है? तो बताओ दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डायगोनली। नेक्स्ट प्रश्न है, कंप्यूटर में प्रिंटेड डायग्राम पाने के लिए यूज किया जाने वाले इनपुट डिवाइस है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, स्कैनर। नेक्स्ट प्रश्न है, पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, डगलस एंजलबर्ट। नेक्स्ट प्रश्न है, जब पीसी पर किसी डॉक्यूमेंट्स पर कार्य करते हैं तब डॉक्यूमेंट्स अस्थायी रूप से स्टोर होता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, रैम। नेक्स्ट प्रश्न है, कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी क्या होती है? तो बताओ दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भीतरी। नेक्स्ट प्रश्न है, फ्लॉपी डिस्क किस प्रकार की मेमोरी से संबंध रखती है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एक्सटर्नल। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, रैम किस तरह की मेमोरी है? रैम किस तरह की मेमोरी है बताओ दोस्तों, क्या होगा आंसर? तो इसका ऑप्शन नंबर डी, मुख्य। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन रैम नहीं है? निम्न में से कौन रैम नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पी रैम। पी रैम जो है रैम नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, सेल फोनों में किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइसों का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कैसे। नेक्स्ट प्रश्न है, इंटरनल स्टोरेज किस प्रकार का स्टोरेज है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्राइमरी। नेक्स्ट प्रश्न है, किस मेमोरी में रखा डाटा बिजली जाते ही समाप्त हो जाता है? बताओ दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर होगा रैम। नेक्स्ट प्रश्न है, सीडी को कॉम्पैक्ट डिस्क के अलावा अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? तो बताओ दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्टिकल डिस्क। यह लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर अवश्य बताना, और यह वीडियो कैसा लगे उसको भी आप लोग ज़रूर बताना दोस्तों। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।